लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तामसी माया, तुम हमें अपने धूम्रवर्णी रथ पर बिठाकर वानर हनुमान के पास पहुंचाओ। जो आज्ञा मेरे स्वामी। एक दिन तुम राक्षस राज रावण से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होगे। तुम्हारी जय हो। सखा सुग्रीव, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। हनुमान, दुंदुभि वध के पश्चात जब बाली भैया ने मुझसे मातंग ऋषि के शाप की बात की थी तो मैं घबरा गया था, परंतु आज उसी शाप ने मेरी रक्षा की और अब हम सब मातंग ऋषि के आश्रम में शरण लेकर बाली भैया के कोप से बाल बाल बच गए। हनुमान, जय श्री राम। सुग्रीव, बाली को दिया हुआ श्राप तुम्हारे लिए वरदान साबित हुआ है। विधाता की लीलाएं भी कितनी निराली होती हैं। किसी की मृत्यु का स्थान किसी की रक्षा का साधन बन जाता है। हाँ हनुमान, तुम सत्य कहते हो। प्रभु की लीलाएं भी। हाँ हनुमान, हनुमान वो देखो क्या है, क्या है वो? ये तामसी माया है सुग्रीव। राक्षस इसका प्रयोग हमारे विरुद्ध कर सकते हैं। तुम सब शीघ्र कंदराओं में छुप जाओ। परंतु हम तुम्हें। सुग्रीव, मैंने कहा ना, तुम सब शीघ्र कंदराओं में छुप जाओ। जाओ, चलो। इन्हें मैं देखता हूं। जो आ गया स्वामी। आपका शत्रु शांति अंधकार में गिर गया है, अब आप इसे समाप्त कीजिए। जय श्री राम। दुष्ट राक्षस प्रहार कर। दुष्ट वानर हनुमान, मैं तुझे तेरी करनी का दंड देने आया हूँ। अब तू मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। अपने इन घातक बाणों से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हनुमान, मैं भी रावण पुत्र मेघनाथ हूं। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जय श्री राम। एकनाथ, जाको राखे ताइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होय। तू अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर ले, तामसी माया की शक्तियों का बल लगा ले, परंतु श्री राम का ये भक्त हनुमान
अपने स्थान पर चट्टान की तरह अड़िग खड़ा रहेगा। जय श्री राम। हनुमान, अब मैं तुझ पर ऐसा सिद्ध शस्त्र चलाऊंगा कि तेरा शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। जय श्री राम। एकनाथ, अब देख मेरे श्रीराम के नाम का चमत्कार। मेरी इस गदा के प्रहार से तू अपनी तामसी माया के साथ इन पर्वतों की कंदराओं में गिरकर विलीन हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। वत्स मेघनाद, तुमने हमारी दी हुई शक्ति का अनिष्टकारी प्रयोग किया है। बिना हमारी अनुमति लिए तुमने तामसी माया का परमवीर हनुमान पर प्रयोग कर दिया। तुम्हें ज्ञात नहीं वत्स कि परमवीर हनुमान साक्षात रुद्र के अवतार हैं? उन पर तुम्हारा किसी प्रकार का शक्ति प्रयोग सफलतापूर्वक संभव नहीं है। मुझसे भूल हुई गुरुदेव, यदि आप इस समय मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करते तो आज मैं जीवित नहीं बचता। तुम्हारी प्राण रक्षा हमारा कर्तव्य था वत्स, परंतु यदि इस प्रकार की भूल बारंबार करोगे तो हमसे भी प्राण रक्षा की आशा व्यर्थ सिद्ध होगी। जाओ, लंकापुरी जाकर अपनी इस भारी भूल का प्रायश्चित करो और पुनः यज्ञ का आयोजन करके अष्ट विद्या की पुनः प्राप्ति करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, कृपया मुझे इसी समय लंकापुरी पहुंचा दीजिए। अवश्य मेघनाथ, हम तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से निमिष मात्र में लंकापुरी पहुंचा देते हैं। अपनी आंखें बंद करो वत्स। जो आज्ञा।